हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आई टी आई क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन के चैप्टर, जो आपका ये है भूमिगत केबल, उससे पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका, पावर केबल में प्रयुक्त होने वाले सुचालक का आकार खालिस्तान पर निर्भर करता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है प्रयुक्त इंसुलेशन की टाइप, तीसरा ऑप्शन है पावर फैक्टर, चौथा ऑप्शन है ले जाए जाने वाले करंट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ले जाए जाने वाले करंट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, अर्थ तार खालिस्तान से अधिक पतली नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20 SWG वायर, दूसरा ऑप्शन है 16 SWG वायर, तीसरा ऑप्शन है 10 SWG वायर, चौथा ऑप्शन है आपका 8 SWG वायर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 SWG वायर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, केबल में आवरण का प्रयोग खालिस्तान के लिए होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केबल में नमी घुसने से बचाने, दूसरा ऑप्शन है काफी शक्ति देने, तीसरा ऑप्शन है उचित इंसुलेशन, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, काफी शक्ति देने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, केबल का इंसुलेशन खालिस्तान के साथ घटता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इंसुलेशन की लंबाई बढ़ने, दूसरा ऑप्शन है इंसुलेशन की लंबाई घटने, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए व बी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भूमिगत केबल खालिस्तान के लिए उचित गहराई में बिछाए जाते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तापमान के तनाव को कम करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी के हटने से आसानी से अनर्थ होने से बचने के लिए, तीसरा ऑप्शन है गुजरते वाहनों से कंपन या शोक के प्रभाव को कम करने के लिए, चौथा ऑप्शन आपका ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, केबल में सामान्य तौर पर दोषपूर्ण स्थान की पहचान खालिस्तान की तुलना कर की जाती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कंडक्टर का प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है कंडक्टर के प्रविष्टि से, तीसरा ऑप्शन है इंसुलेटेड कंडक्टर की धारिता, और चौथा ऑप्शन है आपका ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कम तनाव वाले केबल का सामान्य रूप से खालिस्तान वोल्टेज तक में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 200 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 500 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 700 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 1000 वोल्ट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1000 वोल्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, केबल में धात्विक आवरण के तुरंत बाद खालिस्तान दिया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अर्थिंग कनेक्शन, दूसरा ऑप्शन है वेडिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वेडिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, केबल के इंसुलेटिंग सामग्री खालिस्तान होनी चाहिए। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अम्ल अभेद्य, दूसरा ऑप्शन है अज्वलनशील, तीसरा ऑप्शन है गैर नमीदार, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, केबल के ऊपर बेडिंग में खालिस्तान होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हेसियन क्लॉथ, दूसरा ऑप्शन है जूट, तीसरा ऑप्शन है ए वे बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए वे बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा इंसुलेशन केबल में प्रयोग होता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वार्निश कैब्रिक, दूसरा ऑप्शन है रबर, तीसरा ऑप्शन है पेपर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी त्रुटि अधिकांश केबल में पाई जाती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्रॉस या शॉर्ट सर्किट त्रुटि, दूसरा ऑप्शन है ओपन सर्किट त्रुटि, तीसरा ऑप्शन है केबल का इंसुलेशन टूटना, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, केबल में उत्पन्न होने वाला दोष है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खुलापथ दोष, दूसरा ऑप्शन है लघुपथित दोष, तीसरा ऑप्शन है भू दोष, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भूमिगत केबल बिछाने के लिए केबल को जंग संक्षारण आदि प्रभावों से दूर रखने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बेकेलाइट, दूसरा ऑप्शन है बिटुमिन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर,
चौथा ऑप्शन है पीवीसी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बैकेलाइट। इसके बाद अगला प्रश्न आपका VIR का पूरा नाम है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वल्कनित इंसुलेटेड रबर, दूसरा ऑप्शन है वल्कनित इंडिया रबर, तीसरा ऑप्शन है वेपर इंसुलेटेड रबर, चौथा ऑप्शन है बैकेलाइट युक्त इंसुलेटेड रबर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वल्कनित इंडिया रबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका पीवीसी का पूरा नाम है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है प्लास्टिसाइजर वेनेडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिसाइजर वाइनल क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है पॉली वेनेडियम क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है आपका पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका केबल की बेडिंग सतह के ऊपर खालिस्तान की जाती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आर्मरिंग, दूसरा ऑप्शन है सर्विंग, तीसरा ऑप्शन है स्टडिंग, चौथा ऑप्शन है इंसुलेशन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्मरिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका केबल में खालिस्तान करने से चालक लचीला हो जाता है, वह अधिक मात्रा में धारा वहन कर सकता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है इंसुलेशन, दूसरा ऑप्शन है आर्मरिंग, तीसरा ऑप्शन है सर्विंग, चौथा ऑप्शन है स्ट्रेंडिंग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्ट्रेंडिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 66 किलोवोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किया जाने वाला केबल है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए, पहला ऑप्शन है LT केबल, दूसरा ऑप्शन है HT केबल, तीसरा ऑप्शन है ST केबल, चौथा ऑप्शन है EHT केबल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, EHT केबल। इसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न है आपका भूमिगत प्रकार के केबल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है नमी से सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है दीमक से सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक आघात से सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है केबल को फटने से रोकना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यांत्रिक आघात से सुरक्षा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन की।